तो गाइस ये रही हमारी गाड़ी जो कि हमने ली थी रेव से, और ये हमारी बलिनो 20 का मॉडल है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं, कैसी कैसी गाड़ी की कंडीशन जो हमें रही हैं और जो हमें मिली हैं। फ्रंट से देखोगे तो सारा चीज़ ओके रिपोर्ट है। ये बम्पर आपको इस तरह देखने को मिलेगा, पर हेडलाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। DRLs भी इस गाड़ी में आपको प्रोवाइडेड है, क्योंकि टॉप मॉडल जहाँ से बात है, नीचे से बम्पर भी आप देखोगे काफ़ी क्लासी लुक दे रहे हैं। और साइड प्रोफाइल की बात करें, इसमें अगर टायर्स की बात करें तो 15 इंची का जो आपको इसमें नॉर्मल स्टील व्हील मिलने वाला है, कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलने वाला। और ये साइड में आपको जो है आपका स्टीकर दिख जाएगा यहाँ पे। इसमें आपको एक सेंटर की मिलती है, सेंटर लॉकिंग आपको इसमें मिलती है, और ये जिसका जो है ऑटोमेटिक मिरर। अंदर की साइड बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे डोर्स पे काफ़ी पियानो फिनिश आपको में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फुल पावर विंडोज मिल जाएंगे, साथ ही में लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और ये आपका मिरर्स एडजस्टमेंट का ऑप्शन। अंदर चलने की बात करें तो अंदर का लुक आपका गाड़ी का इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यार हमने रेंट पे लिया जैसी गाड़ी, आप लोगों को पता ही है, इसकी मैं की दिखा देता हूँ आपको। तो ये जी गाड़ी की की, सेंटर लॉकिंग थी इसमें बताया मैंने, आप इसको लगाते हैं ज़रा अंदर। एक बार इग्निशन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है माउंट कंट्रोल्स मिल जाता है, जिसमें आप वॉल्यूम, ब्लूटूथ मोड और कॉल पिक और का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में आपका इंडिकेटर, ठीक है, और इसमें लाइट्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी ऑफ है, यहाँ पे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, यहाँ पे DRLs ऑन हो जाएंगे। हमारी बाहर से दिखाऊँ तो देखिए, अभी इस पर DRLs ऑन हुए हैं, कितनी क्लासी लुक दे रहा है ये, ठीक है। अब चलते हैं अंदर की साइड। तो ऑफ कर लेते हैं, अभी बीप कर रही है कि हमारा गेट खुला हुआ है बहुत देर से, और इसका भी इग्निशन मैंने अब ऑन कर लिया। ब्लोअर कर लेते हैं बंद। ये किलोमीटर अभी चल रहे हैं 22857 34 मैंने ली थी, चला दी काफ़ी अच्छी खासी। फ्यूल बेसिकली मैंने विदाउट फ्यूल लिया था, अब क्या आगे का सिस्टम रहता है अभी देख के पता लगेगा थोड़ी देर बाद। और इसी के साथ ये रहे आपके, अभी ये ऑटोमेटिक में रहने वाली गाड़ी पूरी हमारी, जिसमें कि आपको PRND और L मीन्स, जब आप कभी तो हैवी गाड़ी चलाते हो, मतलब स्लोप वगैरह पे या पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हो, तो L पर भी लगा के हम जो गाड़ी चलाते हैं। तो फिर बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इसमें आपको जो है स्क्रीन टच सिस्टम मिल जाता है पूरा, जो कि एज यूजुअल इसमें आपको रेडियो मिल जाएगा, आप इसमें अपना मीडिया कनेक्ट कर सकते हो, सेटअप सारी चीज़ इसमें, FM ब्लूटूथ वगैरह सब मिलता है। यहाँ से जो है ब्लूटूथ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे फ़ोन से जो है कनेक्ट था, अभी फ़िलहाल जो है ये FM चल रहा है, जिसका हम वॉल्यूम कम कर लेते हैं, वरना कॉपी राइट आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं इसमें, अभी फ़िलहाल मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा मुझे पता भी नहीं इस बारे में, ठीक है। ये आपके मिल गए AC वेंट्स, यहाँ पे 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर इसमें है, ठीक है, इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे लाइट ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, काफ़ी स्टाइलिश होता है। ये गाड़ी के पेपर्स हैं जो कंपनी ने दिए थे हमें, और यहीं से आप जो है, मैं गेट ला के दिखाता हूँ आपको, ये आपको यहाँ से मिरर एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, इसे देखते हैं वो, देखिए वहाँ का मिरर ऐसे एडजस्ट हो रहा है पूरा, ठीक है। उसी तरह आप राइट का सिलेक्ट करके ऐसे करके आप यहाँ का मिरर पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो सभी गाड़ियों में होते हैं, इसमें भी है। यहाँ पर आपको जो है इसका सीट एडजस्टमेंट नीचे मिल जाएगा, और ये एक अच्छी चीज़ लगी कि ये वेलकम शीट्स जो है उन्होंने दी, वेलकम पेपर्स कहते हैं इन्हें। और ये रहा गाड़ी का यहाँ पे हैंड, ये सॉरी गियर लीवर, जिसमें ऑटोमेटिक में ये चीज़ है कि आप ये बटन दबा के आपको सभी ये चेंज हो गया, अभी गाड़ी बंद है तो उसे चलने का। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा थोड़ा सा चार्जिंग केबल, चार्जिंग पॉइंट, और आपको ऑक्स और डाटा केबल का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पेस छोटा मोटा यहाँ पर गिवन है पहले से। ये रहा हैंड ब्रेक, अब देखिए हैंड ब्रेक में जाते गाड़ी स्लोप में करे हिलने लगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कमी लगी मेरे को, जो आर्मरेस्ट नहीं दिया है, फीचर्स दे दिए लेकिन आमलेस नहीं दिया, वो ये ऑटोमेटिक में आपको पता है क्लच होता नहीं है, ये ब्रेक एस्केलेटर, और साथ में जो ये है आपका ये फुट पैडल है, रेस्ट पैडल जिस पर कहते हैं, आप इस पर रेस्ट कर सकते हो अपने पैर को। और यहाँ पे भी आप साथ में देखोगे जो बॉक्स, उसमें छोटा मोटा स्पेस रखा हुआ है, दिया हुआ है मतलब, ठीक है। उस साइड भी आपको जो है ऑटोमेटिक विंडो मिलेंगे। और हेडरेस्ट की बात करें तो ये हेडरेस्ट काफ़ी अच्छे ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी एक पीछे पैसेंजर्स की लाइट दी हुई है। और ग्रैब हैंडल्स आपको ड्राइवर सीट पर नहीं मिलते, बाकी हर जगह आपको मिलेंगे, वो देखो उधर भी है पूरा, ठीक है। बैक सीट्स की बात करें तो पीछे ये 60-40 का रेशियो आप देख पा रहे हो, तो पीछे गिवन है, मैं आपको ले चलता हूँ पीछे।
तो गाइस अब आ चुके हैं अपनी बैक सीट्स पे और ये लाइट बताने बंद हो गए। चलो ठीक है अब ठीक है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, पीछे जो सीट्स हैं ना आगे से ज़्यादा कंफर्टेबल पिछली पीछे की सीट्स हैं। हालांकि जो लेग रूम है थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि सीट पूरी की पूरी पीछे है। और यहाँ पे भी आपको जो है ऑटोमेटिक मिलेगा, अभी गाड़ी बंद है सो उसे काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे एक आपको बॉटल मिल जाएगी रखने के लिए, आई मीन स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर थोड़ा मोड़ा, आप जो भी समझ सकते हो। बस एक चीज़ है जो उसमें 60-40 का रेशियो ना आर्मरेस्ट नहीं दिया इसमें। अगर आर्मरेस्ट दे देते थोड़ी सी और प्रीमियम हैचबैक और बन जाती। ठीक है ये पीछे आपका जो लगेज कैरियर है, यहाँ पे कंफर्ट तो कह सकते हैं थोड़ी सी ऊंची है आगे से और पीछे के लोग इजली बैठ सकते हैं 3 जने आराम से। ठीक है लेग रूम वगैरह की बात करें तो ठीक ही है। और यहाँ पे हेड रूम भी अच्छा है, तो पीछे से आपको गाड़ी का लुक इस तरह से देखने को मिलेगा, जो बैक पैसेंजर होगा ऐसे दिखेगी। स्टाइलिश लुक वैसे बलिनो आप सभी को पता है कैसा है। अगर एक ओवरव्यू मेरे से पूछोगे बलिनो अल्फा कैसी थी तो ये आप देख सकते हैं वीडियो। बाकी चीज़ें थोड़ी बात करते हैं, हम देख लेते हैं इसका बूट स्पेस। फिर इसका बूट स्पेस भी अच्छा खासा है, कम से कम 250-300 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। पीछे दिखाने लायक कुछ इतना है नहीं। चलो अब एक बार बैक सेंसर भी इसमें आपको मिल जाते हैं पीछे से देखिए। ये बैक सेंसर इस लोगों को गिवन है, नीचे रिफ्लेक्टर तो आपको मिल जाएगा जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो इसमें खैर गाइस बताने लायक इतना ही था, जो भी था एज यूजुअल सभी गाड़ियों की तरह कुछ यूनिक जो इसमें मेरे को नहीं लगा देखने के लिए। ये ओवरव्यू था बलिनो अल्फा का और बेसिकली रेंटल कार है, आप लोगों को पता ही है। अगर रेंटल कार का एक्सपीरियंस जानना तो पिछले ब्लॉग में आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना कि किस तरह आपको गाड़ी रेंट पर उठानी है, रेंट पर लेनी है। 1000 रुपीज़ में आपको गाड़ी मिल जाएगी, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी फ़िलहाल हम घूमने के लिए आए थे ऋषि वन, ये रहा यहाँ पर ऋषि वन। काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं यहाँ से और मंदिर भी है और पूरा बोरीवली आपको यहाँ से दिखता है, पूरा हिली एरिया टाइप भी। ठीक है तो मेरे साथ मेरा हर्षित भाई, वीडियो बन चुकी है भाई, वेट कर रहा था तब से हमारा। तो चले हम घूमने भाई या कहीं? चलो ठीक है, गई अपनी गाड़ी वो देखो जा रही है। चलिए चलते हैं हम भी। ठीक है आज की इस वीडियो में इतना ही है और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो कोशिश करूँगा कि ऐसी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में और दूँ और वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाऊँ। आई होप कि वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी के साथ आप लोगों को मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।